16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले अगर बात करें स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, हाई लेवल मीटिंग के बाद फैसला शनिवार को पीएम मोदी के ने समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो 16 जनवरी से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। शनिवार को पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो 16 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए साल का पहला महीना और इसी महीने में लोगों को वो बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। 11 जनवरी को राज्य से वार्ता की जाएगी और उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया। कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले सुरक्षा के तहत ये वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन में जो हमारे डॉक्टर्स थे वो डटे रहे, लोगों की सेवा करते रहे, और इसीलिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी और उसके बाद आम जनता को भी ये वैक्सीनेशन लगेगी। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के बाद कोरोना के टीकाकरण का जो महाअभियान है वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट देखिए। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश भर में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी ली। अब तक 79 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 11 जनवरी को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान में सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की तादाद करीब 27 करोड़ है। तो देखिए आपको बता दें, यहाँ पर 16 तारीख से लोगों को वैक्सीनेशन मिलने लगेगी और इसी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी कोरोना के खिलाफ। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और देखिए किस तरह से 11 जनवरी को तमाम राज्य से वार्ता भी की जाएगी। उच्च स्तरीय जब बैठक हुई उसी में यह फैसला लिया गया कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें टीका लगाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी सौगात देश को मिलने जा रही है, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई अब खत्म होने को आ गई है। 16 जनवरी वो दिन होगी जिस दिन कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होगी। 11 जनवरी को राज्यों से वार्ता की गई थी और उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। बिल्कुल, तो चलिए सीधा न्यूज़ रूम का रुख करते हैं। इस वक्त मेरी सहयोगी ऋतिका जुड़ चुकी है जो जानकारी और ज्यादा डिटेल में देंगी। ऋतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपिका, देखिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो जाएगा और 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ही ये इंतजार किया जा रहा था कि कब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि 3 बार ड्राई रन हो चुका है जो कि सफल रहा और सफल होने के बाद अब 16 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। 16 जनवरी से पहले देखिए 11 जनवरी को राज्यों से वार्ता की जाएगी और तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री है उसको लेकर पहले से ही बैठक कर ली गई है। तमाम मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, पूरी गाइडलाइंस उनको बता दी गई है। लेकिन अब छोटी मोटी जो ट्रेनिंग जो वॉरियर्स को देनी है, जो कि वहां पर हेल्थ ऑफिसर्स को देनी है, वो अभी देनी होगी। लेकिन फिलहाल 16 जनवरी को सभी का इंतजार यहां पर हो रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि 2 वैक्सीन देखिए 2 स्वदेशी वैक्सीन जिसे मंजूरी मिल चुकी है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। और शुरुआत से ही जब 3 तारीख को ड्राई रन हुआ था उसके बाद खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि इस ड्राई रन के ठीक 10 दिन बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। यानी कि अब देखिए 16 तारीख जो कि सामने आ चुकी है और 16 तारीख से जो टारगेट रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पहुंचाया जाए। पहला जो टारगेट है वो है 3 करोड़ जनता तक वैक्सीनेशन को पहुंचाना है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए देखिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। 3 बार ड्राई रन हो चुका है जो कि सफल रहा। उसी परिणाम के
अनुसार ये 16 जनवरी की तारीख तय कर ली गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं कि इस वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई है, क्योंकि इसी प्रक्रिया को लेकर कई लोगों के जहन में सवाल भी है, वो सवाल भी आपको बताएंगे और साथ ही जवाब भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना पर विजय का टीका जो कि 16 जनवरी से लगने वाला है, सबसे पहले देखिए कोविशील्ड वैक्सीन जो कि 2 से 8 डिग्री तापमान में सुरक्षित है और कोवैक्सीन भी 2 से 8 डिग्री तापमान में सुरक्षित है। कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड ने विकसित की है, जबकि कोवैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस हुई है, यहां पर इसे बनाया गया है और भारत बायोटेक में कोवैक्सीन बनाई गई है। टेम्परेचर के बारे में भी आपको बता दिया कि 2 से 8 डिग्री तापमान में इस वैक्सीन को रखा जा सकता है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये 2 वैक्सीन भारत में बनाई गई जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में इन दोनों वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ है। इसी का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्लांट में गए थे। अब आपको बता देते हैं कि वैक्सीन पर कौन कौन से सवाल है, उसका जवाब भी आपके सामने होगा। पहला सवाल, पहले चरण में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो 30 करोड़ लोग टारगेट रखे गए हैं कि 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि शुरुआत में किसको वैक्सीन लगेगी, तो शुरुआती दौर में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, ज्यादा बीमार और बुजुर्ग, इन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि मुफ्त लगेगी या पैसे देने होंगे, तो इसका जवाब यह है कि 30 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगेगी, बाकी को पैसे देने होंगे, यानी कि चार्ज है। एक और सवाल कि क्या आम लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त होगी, जवाब है नहीं, आम लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन नहीं है, आपको चार्ज देना होगा। एक और सवाल, कितनी आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो पहले चरण में 65 से 45 उम्र तक के लोगों के बीच में वैक्सीन लगेगी पहले चरण में, तो ये तमाम सवाल। एक और सवाल, सरकार कैसे जांचेगी सही उम्र, तो इसके लिए मतदाता सूची देखनी होगी, मतदाता सूची से मिलान करना होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन का कितना डोज लेना होगा, तो 2 डोज बताई जा रही है, 2 डोज आपको लेना होगा वैक्सीनेशन का। और एक और सवाल आपको ये बता दें कि कितने समय के अंतराल पर दोनों डोज लेने होंगे, तो अंतराल जो बताया गया है वो 2 से 3 हफ्ते का बताया गया है, यानी कि गैप 2 से 3 हफ्ते का होना चाहिए। क्या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, हाँ रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कहां कराएं वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन, ये भी एक सवाल है, जिसका जवाब ये है कि वेबसाइट कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इस वेबसाइट पर आप जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कुल 12 तरह के पहचान पत्र है, 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। वैक्सीन पर फर्जीवाड़े से कैसे बचे, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीन लगवाए तो आप फर्जी वैक्सीन से बच सकते हैं, केवल स्वास्थ्य विभाग के पास आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से पहचान पत्र मान्य हैं, तो 12 तरीके के पहचान पत्र मान्य हैं, वो है स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, जनप्रतिनिधि आईडी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सरकारी सर्विस आईडी, राशन कार्ड। तो ये कुल 12 पहचान पत्र है जिनकी जरूरत आपको होगी, इन्हीं पहचान पत्र को दिखाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के वक्त मिलान होगा और मिलान होने के बाद फिर आपको तारीख दी जाएगी कि आप आइए इस तारीख पर, आपको डोज दे दी जाएगी, 2 डोज दी जाएगी जो कि गैप उन दोनों डोजों के बीच में होगा 2 से 3 हफ्तों का। तो कोरोना पर विजय का टीका, देखिए 2 वैक्सीन जिसे मंजूरी मिल चुकी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां पुख्ता है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जी हां 16 तारीख तय कर ली गई है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि 6 से 7 महीने से जिस तरीके की जंग पूरे भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ी, उस जंग में अब ये नई क्रांति वैक्सीनेशन के रूप में, ये 4 तस्वीरें, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला ले लिया गया है, 11 जनवरी को राज्यों से वार्ता होनी है, राज्यों को दिशा निर्देश, फाइनल दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और कोरोना वॉरियर्स को पहला टीका लगेगा। एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख कर रहे हैं, दीपिका और आशी मौजूद हैं। बिल्कुल रितिका, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पूरे प्रोसेस को समझाया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर देखने को मिला है। भारत में ब्रिटेन से आए कोरोना के वायरस के मरीज की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आशी। बिल्कुल, देश में नए स्ट्रेन का मरीजों की संख्या 90 हो गई है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है और कहा है कि फिलहाल हालात काबू में है। तो ये बड़ा बयान आया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल जो हालात है कोरोना के नए स्ट्रेन के, वो अभी काबू में, चुनी हुई लैब्स में रिसर्च जारी है और निगरानी दीपिका लगातार रखी जा रही है कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर।
भारत में ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस के मामले अब तक 90 पार कर चुके हैं। हालांकि देश से में इसके निपटने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो देश से इसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो कैसे आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या अब 90 तक पहुंच चुकी है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अब 90 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन सभी संक्रमित लोगों को अलग कक्ष में रखा जा रहा है, साथ ही इनके संपर्क में आने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू हो चुकी है। संक्रमितों से मिले सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल स्थिति काबू में है। इस नए स्ट्रेन के लिए सरकार ने सिर्फ चुनी हुई प्रयोगशालाओं में ही सैंपल की निगरानी और उन पर शोध की इजाजत दी है। इन प्रयोगशालाओं से सरकार और राज्यों को नियमित सलाह दी जा रही है। ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस ने अब तक डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर समेत कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। और जी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार है, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।